हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं सीए और उसकी आर्टिकलशिप अगर आप कर रहे हैं, तो आर्टिकलशिप के साथ एडिशनल कोर्स करने पे क्या आईसीएआई की गाइडलाइंस है, इसको आज हम जानेंगे। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती हैं, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना के आपको बताया जाए कि एडिशनल कोर्स विद आर्टिकलशिप की गाइडलाइंस क्या कहती है हमारे इंस्टीट्यूट की। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। जब आप सीए आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं, तो आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से एंड होने के 3 साल के पीरियड के बीच अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं आर्टिकलशिप मतलब सीए के अलावा, तो आपको इंस्टीट्यूट से प्रायर परमिशन लेनी होती है। वो परमिशन आपको फॉर्म नंबर 112 में लेनी होती है। सीए आर्टिकलशिप जिस दिन आपने शुरू करी, अगर आप कोई भी एडिशनल कोर्स पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो जिस दिन आपने आर्टिकलशिप शुरू कर रहे हो उसके विदिन 30 डेज में आपको फॉर्म 112 भरना होगा आईसीएआई में और परमिशन लेनी होगी। अगर आपने ड्यूरिंग आर्टिकलशिप कोई कोर्स ज्वाइन किया, तो जिस दिन कोर्स ज्वाइन किया उसके विदिन 30 डेज में आपको फॉर्म 112 भर के परमिशन लेनी होगी आईसीएआई की। देखिए, जब आपकी आर्टिकलशिप चल रही है, तो जो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं कोई रेगुलर कोर्स आर्टिकलशिप के साथ कर सकता हूँ। दोस्तों, रेगुलर कोर्स करने पे कोई पाबंदी नहीं है, बट द पॉइंट इज कि रेगुलर कोर्स का जो टाइमिंग होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको क्लासेस लेनी होगी, तो क्लासेस का जो टाइमिंग है शुड नॉट क्लैश विद योर आर्टिकलशिप टाइमिंग। आर्टिकलशिप टाइमिंग क्या हो सकता है? आर्टिकलशिप पे जो टाइमिंग है वो एज पर इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन ये कहती है कि सुबह 9 बजे से पहले आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हो सकती, और सुबह 11 बजे के बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं हो सकती, शाम को 5 बजे से पहले आर्टिकलशिप खत्म नहीं हो सकती, और रात को 8 बजे के बाद आर्टिकलशिप खत्म नहीं होगी। एक वीक में 35 घंटे आपको आर्टिकलशिप करनी है। जो आईसीआई की गाइडलाइंस है इसके अकॉर्डिंग ही आपका टाइम होगा। आपका जो टाइम होगा आर्टिकलशिप का और जो कॉलेज का, वो क्लैश नहीं होना चाहिए। अगर वो क्लैश करता है, तो आपको एक ही चीज़ चूज करनी होगी, या तो आप सीए आर्टिकलशिप कर लीजिए या रेगुलर कोर्स कर लीजिए। अदरवाइज आप डिस्टेंस मोड में, कॉरेस्पॉन्डेंस में, जहाँ पे क्लासेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो वाला कोई भी कोर्स कर सकते हैं। जैसे डिस्टेंस से MBA, BCom, MCom, CS, CMA, कोई भी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि आप सीए आर्टिकलशिप के साथ एक ही कोर्स कर सकते हैं, दो कोर्स नहीं कर सकते एक साथ। मतलब एक तो आप सीए करेंगे, सीए के अलावा एक ही कोर्स कर सकते हैं जब आपकी आर्टिकलशिप चल रही हो। इसका मतलब यह है, जब आपकी आर्टिकलशिप खत्म हो गई हो, तो उसके बाद आप एक से ज्यादा कोर्स कर सकते हैं, और आर्टिकलशिप शुरू होने से पहले आप एक से ज्यादा कोर्स कर सकते हैं, बट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आर्टिकलशिप आप एक से ज्यादा कोर्स नहीं कर सकते। इसमें मेरे से कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेरे एग्जाम पेंडिंग है रेगुलर कोर्स के, और मेरे कॉलेज में क्लासेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। मेरे पास ये डाउट आता है कई बार ही ना, कि जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो पे बात नहीं करूंगा। अगर आपका जो कॉलेज है जहाँ से आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं वो रेगुलर है, और एज पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ऑफ कॉलेज, एज पर द प्रोस्पेक्टस ऑफ कॉलेज, अगर आपकी क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो रेगुलर कॉलेज माना जाएगा। और आप जब रेगुलर कॉलेज से कोई भी कोर्स करते हैं रेगुलर कोर्स, तो फॉर्म 112 जब आप भरेंगे, तो आपके अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के साइन से सर्टिफाई कराना होगा फॉर्म 112, जिसमें वो सर्टिफाई करेंगे जो कॉलेज के टाइमिंग्स आप मेंशन कर रहे हैं वो सही हैं, और अपने प्रिंसिपल से भी सर्टिफाई कराना होगा कि जो आर्टिकलशिप के टाइमिंग आप मेंशन कर रहे हैं वो सही है, और दोनों आपस में क्लैश नहीं होने चाहिए। अगर कॉलेज से सर्टिफाई नहीं करा पाते, तो फिर ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस है उसकी कॉपी फॉर्म 112 के साथ लगती है। लेकिन दोस्तों, अगर प्रैक्टिकली क्या होता है कि आप लोग कहते हैं कि नहीं, अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अटेंडेंस तो हमारी ऐसी लग जाती है, कंपलसरी नहीं है, तो मुझे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अगर लिखा है क्लासेज लगती हैं, तो वो क्लासेज लगती ही मानी जाएगी, वो रेगुलर कोर्स माना जाएगा। अगर कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस है या डिस्टेंस एजुकेशन से CS, CMA जैसे कोर्स कर रहे हो, तो कॉलेज के जो फॉर्म 112 है वो किसी भी कॉलेज के प्रिंसिपल से अटेस्ट नहीं होगा, सिर्फ आपके प्रिंसिपल ही उसे अटेस्ट करेंगे। आर्टिकलशिप के साथ आप एक ही कोर्स कर सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और कोई भी आप कोर्स करें आर्टिकलशिप के साथ, परमिशन लेनी ही होगी फॉर्म 112 में, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे वो CS, CM में बाहर का कोई कोर्स हो, CPA, सीमा, या फिर PhD हो, MBA हो, कोई भी कोर्स हो, और एक ही कोर्स अलाउड है, परमिशन आपको लेनी होगी। जिस दिन आपका पहला कोर्स खत्म हो गया, जैसे आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे थे और आर्टिकलशिप के दौरान अंडर ग्रेजुएट BCom आपकी खत्म हो गई, अब आपने MCom स्टार्ट करने की सोची ड्यूरिंग आर्टिकलशिप पीरियड, तो MCom के लिए आपको दोबारा फॉर्म 112 भरना होगा, और उसमें बताना होगा कि मेरी BCom खत्म हो गई है और मैं अब MCom कर रहा हूँ। अगर आप ट्रांसफर ले लेते हैं, तो भी आपको 112 भर के बताना होगा कि मैं ये वाला कोर्स कर रहा हूँ। ICAI को आपको इन एनी केस बताना ही होगा। अगर आप ICAI को फॉर्म 112 भर के नहीं बताते दोस्तों, तो जब आप मेंबरशिप लेने जाते हैं, बाद में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आपकी मेंबरशिप तक रोक सकता है ICAI, आपकी मेंबरशिप डिले हो सकती है, आपकी आर्टिकलशिप तक कैंसिल हो सकती है। अगर आपने कोई भी एडिशनल कोर्स कर लिया और एडिशनल कोर्स के बारे में ICAI को नहीं बताया, या फिर आर्टिकलशिप के साथ एक से ज्यादा कोर्स कर लिए, तब भी विदाउट आर्टिकलशिप, अगर आर्टिकलशिप के बाद कोई कोर्स करते हो, तो कोई परमिशन नहीं चाहिए।
सेकेंड कोर की परमिशन तभी मिलेगी आपको जब फर्स्ट कोर्स कंप्लीट होने की रिसिप्ट या फिर कोई ऐसा लेटर या मार्कशीट आप आईसीए में जमा करा देंगे फॉर्म 112 में, तभी सेकेंड कोर्स करने की आपको परमिशन मिलेगी। अगर आप फॉर्म 112 भरने में डिले करते हैं तो आपको लेट फीस के साथ फॉर्म 112 भरना होता है। फॉर्म 112 ऑनलाइन एसएसपी पोर्टल पे ही भरना है। कैसे फॉर्म 112 भरेंगे उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जरूर रेफर करें। बट दोस्तों ये फॉर्म 112 बहुत सीरियस फॉर्म है, अगर आप ये नहीं भरते हैं तो मेंबरशिप के टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर दोस्तों को पता ही नहीं है कि हमें परमिशन भी लेनी है। ये तो बात हुई एडिशनल कोर्स की, बट अगर आप कोई बिजनेस भी करते हैं ना आर्टिकलशिप के साथ, किसी बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, तो भी आपको आर्टिकल आईसीआई को फॉर्म 112 के थ्रू बताना होता है कि मैं ये बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ आर्टिकलशिप के साथ। तो दोस्तों ये सारी गाइडलाइंस थी एडिशनल कोर्स के साथ आर्टिकलशिप की। अगर स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों आप सभी को ऑल द बेस्ट, बाय बाय।